गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्पीकर्स, कि स्पीकर से कैसे साउंड एनहेंसमेंट होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, कंस्ट्रक्शन या इंटरनल डायग्राम है स्पीकर का। इसमें क्या गिवन होता है, एक परमानेंट मैग्नेट है। इसमें क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट के इनसाइड क्या किया हुआ है, हमने कॉइल से वाइंड अप किया हुआ है। हमने कॉइल से क्या किया हुआ है, वाइंड अप किया हुआ है। और एक हमें एक कॉनिकल स्क्रीन गिवन है। हमें क्या गिवन है, कॉनिकल स्क्रीन गिवन है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, माइक्रोफोन या फिर जैसे आप माइक बोलते हो उसके थ्रू इनपुट सिग्नल भेजते हैं। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल सेंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इस कॉइल में करंट पास होता है, जैसे ही कॉइल में क्या होता है, करंट पास होता है, तो करंट पास होने की वजह से कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कॉइल में क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो देखो यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, एक तो किसका, परमानेंट मैग्नेट का, और एक किसका, इस कॉइल में इलेक्ट करंट सप्लाई होने की वजह से क्या हो गया, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। जिसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली जो कॉइल है वो बैक एंड फोर्थ लगातार क्या करता है, मोशन करता है। वो क्या करता है, लगातार बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। और जिस बैक एंड फोर्थ मोशन की वजह से क्या होता है, लगातार फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी आती है। और उसकी वजह से जो ये कॉनिकल स्क्रीन है, उसकी वजह से ये जो कॉनिकल स्क्रीन है ये भी लगातार क्या करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। ये भी लगातार क्या करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। और जो कॉनिकल स्क्रीन का वाइब्रेशन है ये सेम वर्क करता है वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क की तरह। कि सेम किसकी तरह वर्क करता है, वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, जिसकी वजह से हमें क्या सुनाई देता है, ज़्यादा साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो ये लिखना, इन द स्पीकर देयर इज ए परमानेंट मैग्नेट, देयर इज ए परमानेंट मैग्नेट एंड ए कॉइल इज वाइंड अप। ठीक है, देर इज ए कॉनिकल स्क्रीन, देर इज ए कॉनिकल स्क्रीन। वेन वी सप्लाई करंट, वेन वी सप्लाई करंट इन द कॉइल, इन द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स। ठीक है, नाउ देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड, नाउ देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड, टू मैग्नेटिक फील्ड, वन ड्यू टू मैग्नेट एंड सेकेंड ड्यू टू करंट इन कॉइल, करंट इन कॉइल, ड्यू टू करंट इन द, ड्यू टू दिस कॉइल स्टार्ट, ड्यू टू दिस कॉइल स्टार्ट टू डू
वेक एंड फोर्थ मोशन, एंड द फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द करंट इन द कॉइल। दैट्स वाई कॉनिकल स्क्रीन स्टार्ट टू ऑसिलेट लाइक एज ट्यूनिंग फॉर्क एंड साउंड इसमें साउंड की जगह लिखना है एनहेंस। स्पीकर का काम क्या होता है? साउंड को एनहेंस करना, एंड एनहेंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये किसके बारे में था? स्पीकर के बारे में। ठीक है, तो एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा किसके बारे में, साउंड प्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमन। साउंड प्रोड्यूस बाई ह्यूमन में आपको नोट्स बुक से बनाने हैं। ठीक है, मैं इसका बता देता हूँ इसमें क्या होता है। तो साउंड प्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमन में बेसिकली होता है कि यदि हम देखें तो क्या होता है कि हमारे जो थ्रोट है, यदि हम उस पर फिंगर रखें तो हम जब भी कुछ या तो हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, तो हमें एक पार्ट का मूवमेंट दिखाई देता है। यदि हम फील करें उसको, तो हमें एक पार्ट का मूवमेंट दिखाई देगा। उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लिनरेक्स बोलते हैं। उसी पार्ट को क्या बोलते हैं? लिनरेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये पार्ट है लिनरेक्स, तो क्या होता है, साउंड जब हमारा एयर, जब एयर लंग्स के थ्रू बाहर थ्रू किया जाता है, तो वही एयर क्या होता है, वॉइस बॉक्स से पहले क्या करता है, कोलाइड करता है, और उसके बाद क्या होता है, वोकल कॉर्ड से बाहर आता है। ठीक है, तो उसी के थ्रू क्या होता है, डिफरेंट साउंड का जो है वो फ्रिक्वेंसी जनरेट होता है। ठीक, तो इन सब के बारे में आपको बुक से ही लिखना है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन के बारे में। चलो ठीक है, तो इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो आप लिख लेना कौन सा, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। इसके बारे में राइट फ्रॉम द बुक।